बॉलीवुड एक्टर सलमान खान जो हमेशा से खबरों का कारण बने रहते हैं। सलमान इन दिनों अपनी फिल्म रेस 3 को लेकर काफी ही ज्यादा बिजी हैं। साथ ही साथ सलमान इन दिनों अपने नए शो 10 के दम को लेकर भी काम कर रहे हैं। तो वहीं इसी बीच एक ऐसी खबर सामने आई है जिससे मानो पूरा बॉलीवुड दंग रह गया। जी हाँ, आपको बता दें सलमान की जान लेने की धमकी दी गई है, वो भी मोस्ट वॉन्टेड गैंगस्टर संपत नेहरा ने, जो हैदराबाद से पुलिस की गिरफ्त में है। साथ ही आपको बता दें पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक 28 साल का ये गैंगस्टर बॉलीवुड स्टार सलमान खान को खिलाफ प्लानिंग कर रहा था। इतना ही नहीं, सलमान की हर हरकत पर इस गैंगस्टर की नजर थी। तो वहीं गैंगस्टर मुंबई जाकर एक्टर के बॉडीगार्ड्स की भी सारी जानकारी ले चुका है। दरअसल आपको बता दें सलमान को इस साल जनवरी में काले हिरन मामले में धमकी मिली थी। तो वहीं लॉन्स बिश्नोई गैंग के खतरनाक गिरोह है, जहां गैंग सोशल मीडिया पर काफी ही ज्यादा एक्टिव रहता है, खासकर फेसबुक और व्हाट्सएप पर। गैंग के इसी मेंबर नेहरा के खिलाफ अपहरण और तमाम तरह के मामले भी चल रहे हैं, जो दर्जन से भी ज्यादा अधिक हैं। तो वहीं गैंगस्टर ने सलमान की जान लेकर विदेश जाने की प्लानिंग भी की थी। जी हाँ, सूत्रों की माने तो नेहरा की तलाश हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और चंडीगढ़ पुलिस भी कर रही थी। वहीं एक तलाश खत्म हुई और खतरनाक इस गैंगस्टर को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में कर लिया। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।